नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली इनोवेशन फॉर लाइफ में। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था बेल्टेड कनेक्शन, और फिर उसके बाद हमने आपको बताया था रिवेटेड, बेल्टेड और बोल्टेड कनेक्शन के जो कंपैरिजन थे, डिसएडवांटेज थे, एडवांटेज थे। आज हम कनेक्शन से रिलेटेड ही आपको बताने जा रहे हैं, जिसको कि हम कहेंगे टर्मिनोलॉजी। देखिए, होता क्या है कि जब हम इंजीनियरिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे हमने बोला कनेक्शन, तो जब हम कनेक्शन करते हैं तो उन कनेक्शन करने में बहुत सारे ऐसे टर्म यूज होते हैं जिनको हम इंजीनियरिंग लैंग्वेज में बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। यानी कि इंजीनियरिंग लैंग्वेज की जो टर्मिनोलॉजी होती है, बेसिकली जब हम साइट पर वर्क करते हैं या फ्रेम वर्क करते हैं तो वहाँ के लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं, बट हमें इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी भी आनी चाहिए। तो कनेक्शन के टाइम क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है, मेन जो टर्मिनोलॉजी है वो मैं आपको आज के लेक्चर में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि रिवेटेड कनेक्शन, जो फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताया था लास्ट के लेक्चर्स में, तो फर्स्ट जो कनेक्शन था रिवेटेड और सेकंड था उसका बोल्टेड। तो रिवेटेड और बोल्टेड कनेक्शन में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो कुछ हद तक सेम होती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टर्मिनोलॉजी में पिच से। तो पिच ऑफ द बोल्ट एंड रिवेट, देखिए इसमें मैंने एंड का यूज किया है, लिखा है पिच ऑफ द बोल्ट एंड रिवेट। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने आपको जब रिवेटेड और बोल्टेड कनेक्शन बताया था, तो उन्हीं कनेक्शंस में ये जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ पिच। तो देखिए, पिच एक्चुअली होता क्या है, पिच जो है वो एक्चुअली है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ टू बोल्ट और टू रिवेट्स इन अ रो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोड। मतलब हम कह सकते हैं कि जो पिच होती है, पिच लोड के डायरेक्शन में दो बोल्ट या दो रिवेट के बीच की, यानी सेंटर टू सेंटर के बीच जो डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं। दैट मीन्स पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन, यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू बोल्ट और टू रिवेट्स इन अ रो इन द डायरेक्शन ऑफ लोड। देखिए इस डायग्राम में ये जो है पी लोड है और ये जो पी लोड है, लोड की डायरेक्शन देखिए हॉरिजॉन्टली मैंने इसमें शो की है विद द हेल्प ऑफ एरो, और इसमें भी मैंने लोड की जो डायरेक्शन है देखिए इस तरफ लेफ्ट वर्ड शो की है, और लोड को हम यहाँ डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। तो देखिए मैंने यहाँ पे दो रिवेट होल या दो कह सकते हैं कि बोल्ट के लिए स्पेस लिया है, ठीक है। इन दो रिवेट होल के बीच की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, इसमें जो वर्ड है सेंटर टू सेंटेंस, इसका मतलब ये है कि जो रिवेट होल है, रिवेट होल के डाया का एकदम सेंटर, दैट मींस हम कह सकते हैं कि जो रिवेट होल होता है, रिवेट होल सर्कुलर होता है, तो सर्कल का जो सेंटर होता है, तो इस रिवेट होल का सेंटर एंड इस रिवेट होल का सेंटर, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिवेट होल वन एंड रिवेट होल टू। अगर हम इसको रिवेट होल नंबर वन लेते हैं और इसको हम रिवेट होल नंबर टू लेते हैं, तो इन दोनों के जो सेंटर हैं, इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो होगी ये होगी पिच इन द डायरेक्शन ऑफ लोड या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोड। दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है उसी डायरेक्शन में दो रिवेट होल के सेंटर टू सेंटर बीच की जो डिस्टेंस होती है वो पिच होती है, और इस पिच को भी हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस ये जो पिच होती है दो टाइप की होती है। फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे कि दोनों रिवेट होल के एकदम सेंटर टू सेंटर बीच की डिस्टेंस, जो कि आपको एकदम रो में दिख रहे हैं दोनों रिवेट होल। एक देखिए मैंने एक छोटा सा एक डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है, इसमें मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि इसमें देखिए ये जो रिवेट होल हैं ये तो रो में है, बट ये सेकंड जो रो है, ये सेकंड रो के जो रिवेट होल हैं वो फर्स्ट रो के फर्स्ट टू होल के एकदम बीच में है, और जो थर्ड रो के रिवेट होल हैं वो देखिए इसके
पैरेलल में है, तो कहीं ना कहीं ये जो जिगजैग वे में है, मींस ये तीनों जो रो के रैबिट होल हैं वो तीनों सेम पैरेलल नहीं है, या हम बोल सकते हैं कि एक सीधी लाइन में नहीं है। तो अगर हम इसके पिच की बात करें, जिगजैग पिच की बात करें, अगर अगर हम इस रिबिट होल को लेते हैं और इस रिबिट होल को लेते हैं, तो इन दोनों रिबिट होल के जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी, ये कहलाएगा पिच। तो ये पिच जो होती है ये कहलाती है स्टेगर्ड पिच, मींस जिगजैग, मींस जिसमें रिबिट होल होते हैं वो एक रो में नहीं होते हैं, या जो उसके रिबिट होल होते हैं वो पैरेलल नहीं होते हैं, तो ये स्टेगर्ड पिच होता है। अब इसमें कुछ एजम्पशंस होते हैं, वो एजम्पशंस ये होते हैं, सबसे पहले देखिए इसमें लिखा है कि P should not be less than 2.5D where D is nominal dia। P यूज कर रहे हैं हम पिच के लिए, इसमें लिखा है कि P should not be less than 2.5D, 2.5D that means जो D है nominal dia of rivet hole या फिर नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट। तो D4 डायमीटर, जो भी डायमीटर होगा उस डायमीटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, और जो हमें वैल्यू फाइंड होगी उतने से कम हमारा पिच नहीं होना चाहिए। दैट मींस अगर हम एक एग्जांपल लें रिबिट होल का 10 mm, उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, जो हमें वैल्यू फाइंड होगी उतने से हमारा जो पिच है कम नहीं होना चाहिए। सेकंड जो है मैंने नोट डाल कर रखा है वह है पी शुड नॉट बी मोर देन 16T और 200 mm विच एवर इज लेस। देखिए इसका मतलब क्या है, मैंने इसको अंडरलाइन किया है, ये आपको समझना है, ये आपके लिए जरूरी है। इसका मतलब ये है कि जो पिच है वो इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए फर्स्ट एजम्पशन ये था कि जो P है शुड नॉट बी लेस देन 2.5D, इसका मतलब ये था D फॉर डायमीटर ऑफ रिवेट होल या फिर डायमीटर ऑफ बोल्ट। तो जो डायमीटर होगा डायमीटर में 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू हमें मिलेगी, उतने से जो पिच है वो कम नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए, 16T और 200 mm, विच एवर इज लेस, ये आपको याद रखना है, विच एवर इज लेस 16T, इसमें देखिए T से मल्टीप्लाई हुआ है, वेयर T इज द थिकनेस ऑफ टेंशन मेंबर या थिकनेस ऑफ मेंबर इन केस ऑफ टेंशन। तो हम कह सकते हैं कि 16T मतलब जो हमारा मेंबर का थिकनेस होगा, थिकनेस में हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो मल्टीप्लाई करने पर 200 से कम आता है तो हम इस वैल्यू को एडॉप्ट करेंगे, या फिर अगर 16 को हम टी से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद वो वैल्यू 200 से ज़्यादा आती है तब हम 200 mm को एडॉप्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो पिच है या तो 16T से जो वैल्यू फाइंड होगी उसको लेंगे या फिर हम 200 लेंगे। अब दोनों में कंपेयर कैसे करना है, किसको एडॉप्ट करना है, 16T से या तो वैल्यू 200 से कम आए या फिर हम 200 को एडॉप्ट करेंगे, दैट मींस हम 200 से ज़्यादा एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। थर्ड है इन केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर, अगर हम कंप्रेशन मेंबर की बात करें तो ये जो पिच की लेंथ है वो 12T और 200 mm, इसका मतलब जैसे ऊपर था सेम यहाँ पे है, या तो 12T मतलब थिकनेस ऑफ थिनेस्ट मेंबर, यहाँ पर जो टी उपयोग किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, वो किया गया है थिकनेस ऑफ थिनेस्ट मेंबर के लिए। तो अगर थिकनेस ऑफ थिनेस्ट मेंबर सपोज 25 mm है, 25 × 12 करेंगे जो वैल्यू हमें फाइंड होगी, अगर वो वैल्यू 200 mm से लेस देन है तो हम इस वैल्यू को अडॉप्ट करेंगे, और अगर वैल्यू 200 से ज़्यादा है तब हम 200 mm पिच लेंथ लेके डिजाइन करेंगे। तो ये है इन केस ऑफ टेंशन मेंबर। देखिए यहाँ पे कॉर्नर में मैंने लिखा है इन केस ऑफ स्टेगर्ड पिच पी इंक्रीज्ड बाय 50%। तो स्टेगर्ड पिच मैंने आपको बताया है कि जब रो एक ही रो में नहीं होते हैं, या जो रिबिट होल होते हैं पैरेलल नहीं होते एक दूसरे के सारे, तो उस पिच में जो रिबिट होल होते हैं उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वाली पिच को हम क्या बोलते हैं, स्टेगर्ड पिच। और इस
पिच की अगर हम बात करें, मतलब इस केस में जो पिच है वो हम 50% से इंक्रीज कर देते हैं, मतलब जो भी वैल्यू हमें गिवन रहेगी उस वैल्यू से 50% हम इंक्रीज करके पिच लेंथ लेंगे। तो ये था टर्मोलॉजी का फर्स्ट इम्पोर्टेंट पिच। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं गेज लेंथ। तो गेज लेंथ एक्चुअली अगर हम वादा डेफिनेशन बात करें तो गेज लेंथ इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रिबिट होल या टू बोल्ट, और हम इसमें एक वर्ड और ऐड करना चाहेंगे, टू कंसेक्यूटिव वोल्ट इन एडजेसेंट रो। मतलब अगर हम इस रो की बात करें, इसको अगर हम रो वन लेते हैं, ये रो वन है, ये रो टू है एंड ये रो थर्ड है। रो वन रो टू में अगर हम बात करें दो रिबिट होल की या दो बोल्ट की, तो इन दोनों के बीच की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी, बट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द लोड। देखिए जो लोड है हमारा अप्लाई हो रहा है हॉरिजॉन्टली, इन दो रिबिट होल और इन दो रिबिट होल के बीच में हमें देखना है लोड के वर्टिकल डायरेक्शन में। दैट मींस हम कह सकते हैं द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रिबिट होल या टू बोल्ट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ लोड। दो रिबिट होल या दो बोल्ट के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लोड के लंबवत दिशा में हम क्या बोलते हैं, गेज। और इस गेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। तो एक वर्ड मैंने इस्तेमाल में लाया था और वो वर्ड ये था जो हमने उपयोग किया था कि एडजेसेंट रो। तो देखिए ये जो R1 लिखा है मैंने, ये रो वन है जिसको हम हिंदी में पंक्ति कहते हैं, और ये रो टू है यानी पंक्ति नंबर दो। इन रो वन और रो टू के दोनों रिबिट होल या बोल्ट के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लोड के यानी कि P के लंबवत दिशा में। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल है और ये जो है वर्टिकल डायरेक्शन मैंने लिया हुआ है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ टू रिबिट होल या टू बोल्ट इन द डायरेक्शन ऑफ लोड कॉल गेज लेंथ। तो गेज लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। और इसमें एक एजम्पशन है, हमें एक बात ये ध्यान में रखनी है जो मैंने ऊपर देखिए नोट करके रखी है, गेज लेंथ शुड नॉट बी मोर देन 100 प्लस 40। बस आपको ये वैल्यू याद रखनी है 100 प्लस 40 और 200 mm विच एवर इज लेस। 100 प्लस 40 और 200 mm विच एवर इज लेस, इसका मतलब ये है कि अगर हम गेज लेंथ की बात करें, अगर हमें गेज लेंथ रखना है किसी कनेक्शन में जहां हम रिबिटिंग कनेक्शन का यूज कर रहे हैं या बोल्टेड कनेक्शन का यूज कर रहे हैं, याद रखिएगा थर्ड जो होता है बेल्टेड कनेक्शन, वहां पर हमें पिच और गेज इन टर्मोलॉजी का यूज नहीं करना होता है। हम इस टर्मोलॉजी का इस्तेमाल अगर करते हैं तो वो सिर्फ रिबिटेड और बोल्टेड कनेक्शन में करते हैं। तो 100 प्लस 40 इसका मतलब ये है कि देखिए 40 यानी कि टी, उस टी में जो यूज किया गया है टी, वो किसके लिए किया गया है, थिकनेस ऑफ मेंबर के लिए। तो थिकनेस ऑफ मेंबर सपोज हमारा 20 mm है तो 20 × 4 + 100 हमें मिलेगा 20 × 4 = 80 + 100 = 180। तो 180 वैल्यू 200 mm से लेस देन है तो हम किसको एडॉप्ट करेंगे, 180, दैट मींस 100 प्लस 40 को। अगर हमने टी ले लिया 30, तो 100 प्लस 4 × 30 = 120 + 100 हो जाएगा आपको 220, और 220 आपका मोर देन 200 mm, तब हम उस केस में 200 mm बिकॉज 200 mm जो है 220 से लेस है, सो हम 200 mm को एडॉप्ट करके गेज लेंथ रखेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि गेज लेंथ क्या होता है, गेज लेंथ को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और गेज लेंथ का जो लिमिटेशन है यानी गेज लेंथ को हमें कितना रखना है, कितने से ज़्यादा हम नहीं रख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा था।
तो ये था सेकंड टर्मोलॉजी, गेज लेंथ ऑफ रिविट और बोल्ट। तो जो थर्ड है, थर्ड टर्मोलॉजी है एज डिस्टेंस, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से। और वाई द डेफिनेशन, जो एज डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस होती है बिटवीन द रिविट होल या बिटवीन द बोल्ट या सेंटर ऑफ बोल्ट टू द एडजेसेंट एज ऑफ प्लेट। तो देखिए, ये एक हम कह सकते हैं बोल्ट या रिविट के सेंटर है, और सेंटर से इस एडजेसेंट यानी इसके पास की जो एज है उसके बीच की डिस्टेंस। तो आपको समझ में आया होगा, एज डिस्टेंस रिविट होल के सेंटर या बोल्ट के सेंटर से उसके पास वाली एडजेसेंट एज के बीच की दूरी होती है, जिसको कि हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें देखिए, मैंने कुछ नोट लिखे हैं, वो ये है कि एज डिस्टेंस शुड नॉट बी लेस देन 1.7 इनटू होल डाया। देखिए, आपको बस इसको ध्यान में रखना है, 1.7 इनटू होल डाया। इसका मतलब ये है कि जो होल डाया है, रिविट का होल है, उसका डाया जो है, डाया को मल्टीप्लाई करना है 1.7 से, और जो हमें वैल्यू फाइंड होगी उतने से कम नहीं होना चाहिए। मतलब एज डिस्टेंस शुड नॉट बी लेस देन 1.7 इनटू होल डाया। इन केस ऑफ शेयर और हैंड फ्लेम कट एज, अगर ये हैंड फ्लेम कट एज है, हाथ से काटी गई है, या फिर सीयर्ड है, तो उस केस में 1.5 इंटू होल डाया से कम नहीं होना चाहिए। एंड 1.5 इंटू होल डाया, 1.7 की जगह अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं होल डाया को, तो एज डिस्टेंस इन केस ऑफ मशीन फ्लेम कट, अगर ये जो एज है ये मशीन फ्लेम कट है, या हम इसको हम मशीन से विद द हेल्प ऑफ मशीन कट करते हैं एज को, तो एज जब मशीन फ्लेम कट की होगी तो उसमें 1.5 से मल्टीप्लाई करना है होल डाया से, तो जो एज डिस्टेंस इससे हमें कम नहीं रखना है। ई शुड नॉट एक्सीड, यानी कि अब जो ई है, एज डिस्टेंस हमारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कितने ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 16 TE। देखिए ये दिस, इतने से हमारा जो एज डिस्टेंस है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें आप ये सिंबल देख रहे होंगे, इसमें हमारे स्टील स्ट्रक्चर में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और इसको जब हम निकालते हैं इसका जो वैल्यू होता है अंडर रूट 250/Fy होता है, है ना। तो आपको ये सिंबल, मुझे आशा है कि आपको जानकारी इनके बारे में होगी, और हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो पुट करने के बाद जो वैल्यू फाइंड होता है उतने से ज़्यादा हमारा एज डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए, जो टी का इस्तेमाल किया गया है, ये टी है थिकनेस ऑफ थिनर आउटर प्लेट, यानी कि जो आउटर प्लेट की थिकनेस होगी उसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है 40+40, वेयर टी इज थिकनेस ऑफ कनेक्टेड प्लेट। तो इसमें एक प्लेट का नाम लिया गया है आउटर प्लेट, और यहाँ पे है कनेक्टेड प्लेट। तो अगर हम बात करें एज डिस्टेंस की, तो कनेक्टेड प्लेट के साथ अगर हम रिविट होल या बोल्ट के बीच की डिस्टेंस ले रहे हैं, यानी कि हम जो एज डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर रहे हैं कनेक्टेड प्लेट और रिविट होल या बोल्ट के सेंटर से, तो उस केस में उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए या जो लेंथ होना चाहिए वो 40+40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये था एज डिस्टेंस। तो देखिए, जो फोर्थ है एज डिस्टेंस, जिसको को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई डैश से, और ये जो एज डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस होती है बिटवीन द होल, या हम कह सकते हैं बिटवीन द नियरेस्ट होल एंड द पॉइंट ऑफ एंड प्लेट, या हम बोल सकते हैं एंड प्लेट और नियरेस्ट बोल्ट के जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं एंड डिस्टेंस, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईडीएस से। देखिए, ये प्लेट का एंड है और ये इसका नियरेस्ट बोल्ट है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाती है एंड डिस्टेंस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईडीएस से, सेम यहाँ पर। तो
ये थी टर्मोलॉजी जो कि हम स्टील में रिवेटेड और बोल्टेड कनेक्शन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाते हैं। मुझे आशा है कि आज का हमारा ये लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आने वाले अगले लेक्चर्स में हम स्टील कनेक्शन से कुछ आगे आपको लेके जाएंगे, और तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल डेली इनोवेशन फॉर लाइफ। अगर कोई आपको डाउट या क्वेरी आते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। नमस्ते। For more updates, subscribe to our channel.